नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें जो गणित सब्जेक्ट होता है, गणित विषय होता है, उस गणित विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गणित विषय में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है आपकी ज्यामिति। कौन सा चैप्टर है आपका? ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 7 पार्ट पढ़ चुके हैं ज्यामिति। ध्यान रखिएगा, कितने पार्ट? 7 पार्ट। 7 पार्ट कम से कम 5 घंटे के पार्ट होंगे। 5 घंटे की ज्यामिति तो हम पढ़ चुके हैं, और केवल थ्योरी। अभी थ्योरी का मतलब होता है केवल सिद्धांत पढ़े, उसके बारे में एक भी क्वेश्चन की हमने लगभग, उसमें 2-4 क्वेश्चन कभी बड़ी मुश्किल से आ चुके होंगे, पर केवल हमने अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जैसे इसका जो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद सारी चीजें, ठीक है? तो हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में यानी पार्ट नंबर 7 में आपने माध्यिका और माध्यिकाओं के कटान बिंदु से बनने वाला केंद्रक के बारे में पढ़ा है। इसके बाद एक त्रिभुज के कितने केंद्र होते हैं? 4 केंद्र होते हैं। उन 4 केंद्र में से एक केंद्र हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा केंद्र, जिसमें से वो होता है लंब समद्विभाजक। कौन सा होता है? लंब समद्विभाजक, ठीक। और जो लंब समद्विभाजक होते हैं उनका जो कटान बिंदु होता है उस कटान बिंदु को बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं उसको? परिकेंद्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से लंब समद्विभाजक और परिकेंद्र को पढ़ना है। यानी लंब समद्विभाजक को अंग्रेजी में बोलते हैं, अगर सही ढंग से लिखें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड, परिकेंद्र को बोलेंगे सर्कम सेंटर, ठीक। इनके बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है? करते हैं हम डिवाइड। सबसे पहला पढ़ते हैं हम यहां पे, ये आपके पास जो है, इससे पहले हम लंब समद्विभाजक के बारे में, माध्यिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे यहां पे किसके बारे में? लंब समद्विभाजक। तो एक ट्राइंगल लीजिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी। अब यहां पे कुछ परिभाषाओं के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लंब समद्विभाजक क्या होता है। लंब समद्विभाजक क्या होता है? देखिए, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होता है, और उसके बाद भाजक का मतलब होता है टुकड़ा करने वाला, और समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में। तो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है, बहुत प्यारी बात है। इससे पहले आपने केवल माध्यिका पढ़ी थी। माध्यिका क्या करती है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, बस बांटने का काम करती थी। अभी क्या करती है? वो बांटने का काम नहीं करती, वो क्या करती है? केवल बांटने का, दो बराबर भागों में बांट देती। पर अभी क्या पढ़ा आपने कि ऐसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर डाला गया, अगर कोई आपके पास क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बायसेक्टर। यानी इसका मतलब, यानी इससे पहले अपनों ने क्या पढ़ा? माध्यिका पढ़ी। अब यहां पे अपन फिर से देखते हैं माध्यिका क्या पढ़ी अपनों ने, माध्यिका। माध्यिका और लंब समद्विभाजक में अंतर क्या है? दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है। माध्यिका होती है अगर शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर एक रेखा खींची जाए और वो रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट दे, अगर दो बराबर भागों में बांट दे तो वो कहलाती है माध्यिका। पर दो बराबर भागों में बांट दे और उसके बाद यहां पर 90 डिग्री का कोण बन जाए वो कहलाता है लंब समद्विभाजक। पर जरूरी नहीं है कि वो लंब समद्विभाजक यहां से गुजरेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी त्रिभुज में लंब समद्विभाजक खींचने का जो तरीका होता है, देखो वो यहां होता है एक प्रकार में, देखिए क्या होता है, यहां से एक प्रकार खींच लीजिए, आधे से अधिक लीजिए, एक चाप इधर काटिए, एक चाप इधर काटिए, उसके बाद फिर यहीं से उसी चाप से यहां काटिए, यहां काटिए, उसके बाद इसको मिलाने वाली रेखा, यानी यूं कहें तो ये और ये एक यहां बनेगा और एक यहां और यहां बनेगा, और उसके बाद इसको जो मिलाने वाला रेखा होगा वो क्या कहलाएगा?
लंब समद्विभाजक, यानी यहां पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और यह इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। माध्यिका और लंब समद्विभाजक में अंतर है, माध्यिका शीर्ष से होकर जाती है, ठीक, और लंब समद्विभाजक जो होते हैं वो शीर्ष से होकर जा भी सकते हैं, नहीं भी जाएंगे, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां से अगर आधे से अधिक ज्यादा खिंचाव काटते हो, ये क्या ये, इस प्रकार से यहां से भी क्या होगा, इस प्रकार से कटेगा, एक यहां कटेगा और एक इस प्रकार से यहां पे, तो यहां से भी एक जाएगा, माना कि थोड़ी देर के लिए एक चला गया, और यहां से भी ये, यहां से इसका मतलब क्या हुआ, जब हम तीनों लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो लंब समद्विभाजक क्या हुआ, लंब समद्विभाजक एक ऐसा रेखाखंड हुआ जो त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है और उस भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो लिखेंगे यह एक ऐसा रेखाखंड है जो भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, वह उस बिंदु पर क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, कोण भी बनाता, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, लंब समद्विभाजक क्या हुआ, लंब समद्विभाजक किसी भुजा पर एक ऐसा बिंदु है जो, मतलब इस बिंदु वहां पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और इसको दो बराबर भागों में बांट भी लेता है, जिस प्रकार से ये है ना पूरा कंप्लीट ये लिखा हुआ, ये क्या हो गया आपके लंब समद्विभाजक, यानी ये जो चीजें होती है ये क्या होती है, लंब समद्विभाजक। ध्यान रखिएगा, केवल इसको दो टुकड़ों में बांटने वाली रेखा शीर्ष से माध्यिका कहलाती है और इसको दो बराबर भागों में बांटकर इसको यहां पर 90 डिग्री कोण, उसको लंब समद्विभाजक कहते हैं, ठीक। अब देखिए लंब समद्विभाजक हो गया और इस लंब समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है परिकेंद्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिकेंद्र कहा जाता है, लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, परिकेंद्र कहा जाता है, ये परिकेंद्र। और उसके बाद इन लंब समद्विभाजक की सभी से दूरियां क्या होती है, ये अब यहां देखो इसको, अब इसको छोड़ो, ये कटान हो गया, अब उसके बाद यहां से ये सब समान दूरी पर होते हैं, समान दूरी पर होते हैं, तो ये जो समान दूरी से यहां कहला जाता है इसको बोलते हैं परित्रिज्या, ठीक। और इस परित्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आर, जिसको बोलते हैं परित्रिज्या को बोलते हैं सर्कम रेडियस, ठीक। और इस परित्रिज्या से अगर यहां से इसको बराबर दूरी से मापा जाए तो इससे खींचा गया क्या कहलाता है, वर्ग। तो यहां पर मैं पूरा सब लिख रहा हूं, ये एक परिभाषा होगी, कौन सा, लंब समद्विभाजक, कितनी परिभाषा होगी, लंब समद्विभाजक। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पे परिकेंद्र, क्या लिखेंगे, परिकेंद्र, ठीक। परिकेंद्र मतलब होता है यहां पे सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर की परिभाषा क्या होगी, देखिए लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं कि लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को या कटान बिंदु को या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है,
क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र। क्या कहा जाता है? परिकेंद्र कहा जाता है। अब परिभाषा अगली आती है परित्रिज्या। ध्यान रखिएगा सबसे, परित्रिज्या किसे कहा जाता है? तो परित्रिज्या मतलब परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। तो ध्यान रखिएगा इसको परिभाषा में काम डाल देते हैं, यानी त्रिभुज के केंद्र से, सॉरी, किसी त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी परित्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी त्रिभुज से, ठीक है, किसी त्रिभुज के कौन सा केंद्र? परिकेंद्र। और परिकेंद्र कैसे बनता है? लंब समद्विभाजक को कटान बिंदु। ध्यान रखिएगा माध्यिकाओं का कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? केंद्रक। और लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। तो किसी त्रिभुज के परिकेंद्र के परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी को क्या कहते हैं? परित्रिज्या। परित्रिज्या मतलब सर्कम रेडियस, परित्रिज्या कहते हैं। आया समझ में आपको? ये तैयार पर। अब उसके बाद आता है यहां पे एक और परिभाषा, वो होता है आपके पास परिवृत्त। बहुत प्यारा चीज है, जिसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। अब देखो ये पूरा ये त्रिभुज है ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में सारे लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? परिकेंद्र कहा जाता है। यानी लंब समद्विभाजक समझ गया, लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। और उस परिकेंद्र से भुजाओं के जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा समान होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर, ध्यान रखिएगा, ठीक। और उसके बाद इस परिवृत्त का क्या होता है? आर त्रिज्या से शीर्षों से जाने वाला वृत्त क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। परिवृत्त का मतलब जैसे कि ये त्रिभुज देखो, किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त, क्लास 9 10th में रचना के पढ़ते हैं, किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त बना, तो परिवृत्त बनाने के लिए सबसे पहले क्या बोलेंगे अपन? देखो त्रिभुज दे दिया ए बी और सी, तो पहले उसके बाद क्या होगा? यहां से हम एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो देखो ये एक लंब समद्विभाजक, ये खींचा, यहां से ये खींचा, ये एक रेखा खींची, उसके बाद यहां से भी एक रेखा खींची, एक रेखा खींची, उसके बाद यहां से भी, तो ये क्या हो गया यहां पर? यहां। और उसके बाद इस भुजा से ये सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी इस प्रकार से ये चीज सारी बराबर होगी। और इस त्रिज्या को यहां से त्रिज्या मान के ये क्या बन गया आपका? परिवृत्त बन गया। तो परिवृत्त क्या होता है? आर त्रिज्या से ये क्या हो गया आपकी? यह त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या की परिभाषा थी कि किसी त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा परिकेंद्र का मतलब होता है परित्रिज्या, ठीक है, और परिकेंद्र से परित्रिज्या बनती है तो उससे बनेगा क्या? परिवृत्त। तो सारे सारे परिवृत्त बन रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस और सर्कम सर्कल, यानी परिकेंद्र, परित्रिज्या और परिवृत्त। बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या सीखा? चार परिभाषा पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक किसको कहते हैं? लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परित्रिज्या कहलाती है। और परित्रिज्या को लेकर अगर एक वृत्त खींचा जाए तो वो कहलाता है परिवृत्त। क्या यहां पर आपको समझ में आया? अब इसकी बारे में विशेषताएं पढ़ते हैं इसकी। सिंपल सी चीज, ज्यादा कुछ भी बड़ा नहीं है, विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताएं इसकी होती है कि परिकेंद्र के जो त्रिभुज है, ये परिकेंद्र है, उस परिकेंद्र में जो त्रिभुज का जो शीर्ष है, ये बिंदु है, ये परिकेंद्र है। ये परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के शीर्ष से क्या होते हैं? समदूरस्थ होते हैं। यानी परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है, तभी तो त्रिज्या बनती है। तो क्या होता है? परिकेंद्र
त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है। क्या होता है? समदूरस्थ होता है। समदूरस्थ का मतलब इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी पर, यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होती है। ठीक। दूसरी ये विशेषता कौन सी नंबर होगी? एक। कितनी विशेषता लिखनी? इसकी विशेषता अपने को चार लिखनी, ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर ये हो कहीं ना कहीं सारी चीजें हुई, तो इस प्रकार से क्या होगा? यहां से एक लंब डलेगा, ये होगा, यहां से एक लंब डलेगा, ये होगा, और यहां से एक लंब डलेगा, ये होगा। ठीक, ये लंब डलते ना, यही होगा, ये लंब डल गए, ये लंब डल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपन सही ढंग से देखें तो ये जो कोण होता है, ये ए बी सी, यानी इसका मतलब होता है यहां से अपन ये पूरा जो कोण है इसको मानेंगे कोण बी ओ सी, ये बी ओ सी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोण बी ओ सी जो होता है वो क्या होता है? टू कोण ए होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इस यहां से इस, ये क्या हुआ? ये कौन सा केंद्र है? परिकेंद्र। कौन सा केंद्र है? परिकेंद्र। इस परिकेंद्र से यहां से की दूरी, ये परित्रिज्या होगी, यहां से ये परित्रिज्या होगी, यानी किसी त्रिभुज में दो परित्रिज्याओं से जो कोण बनता है केंद्र पर, ये कोण इस कोण का हमेशा क्या होता है? दुगुना होता है। अगर ये 30 डिग्री तो ये क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, पर ये होना क्या चाहिए? परिकेंद्र होना चाहिए। उसके बाद तीसरा, आपका तीसरी क्या विशेषता होगी आपके पास? तीसरी विशेषता होती है कि अगर कोई त्रिभुज होता है ए बी और सी, और ये यहां से परिकेंद्र है तो इसकी दूरियां बराबर होती है, तो ये क्या होता है? आर। और इसका जो त्रिभुज, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा बी और इसकी भुजा सी, तो यहां पर इसके बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध को बताएंगे। यानी इसकी रेडियस जो होती है आर होती है, तो आर बराबर हो रहा है ए बी सी अपान फोर डेल्टा, और इस डेल्टा का मतलब होता है क्षेत्रफल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर एबीसी हो, याद रखना कई बार पूछा गया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं एबीसी हो, उसका क्षेत्रफल को ये डेल से, ये त्रिभुज का जो आकार होता है उसको डेल्टा बोलते हैं, डेल बोलते हैं, उस डेल को होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, और उसकी परित्रिज्या को आर से दर्शाया जाए, तो इन तीनों के बीच में संबंध क्या है? तो ये संबंध ध्यान रखिएगा, किसी त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या उनके तीनों भुजाओं के गुणनफल बटे 4 × क्षेत्रफल के अनुपात में होती है। क्या होती है? त्रिभुज का जो आर होता है, जो त्रिभुज का आर होता है वो आर एबीसी अपॉन फोर डेल्टा होता है। क्या समझ पाए आप यहां पे? ये देखिए कितनी विशेषता होगी? 3 विशेषता। अब इसकी जो चौथी विशेषता है मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, चौथी विशेषता, चौथी विशेषता क्या है आपके पास? परिकेंद्र की स्थिति कहां होती है? मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लास्ट में इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझाने का काम तो मैं एक साथ कर रहा हूं। देखिए परिकेंद्र की स्थिति क्या होती है, इसका मतलब क्या हो? पहली चीज, पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता यह थी कि परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है, समान दूरी पर होता है, उसी समान दूरी को उसकी परित्रिज्या कहा जाता है। उसके बाद अगर उन परित्रिज्याओं से अगर एक यहां पे कोण बनता है, ये कोण अगर ये यहां पे ओ बन गया, ये कोण बी ओ सी, ये बी ओ सी हमेशा इस त्रिभुज का क्या होता है? उस कोण का दुगना होता है। ठीक, ये यहां परिकेंद्र। अब उसके बाद अगर इसकी त्रिभुज की जो त्रिभुज है इसकी अगर परित्रिज्या को आर कहा जाए, इसकी भुजाओं को एबीसी कहा जाए और इसके क्षेत्रफल को डेल यानी त्रिभुज का चिन्ह कहा जाए, तो इसके बारे में संबंध है आर बराबर एबीसी अपॉन फोर डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यामिति क्या क्षेत्र नीति में बहुत काम आएगा। ठीक है, उसके बाद परिकेंद्र की स्थिति क्या होती है? परिकेंद्र की स्थिति का मतलब होता है परिकेंद्र क्या सभी त्रिभुजों में अंदर या बाहर बनता है, यह सबसे उसी को बोलते हैं परिकेंद्र की स्थिति। यानी परिकेंद्र की स्थिति 3 कंडीशन में, नंबर 1 न्यून कोण। देखिए मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं, ये इसको रब कर देता हूं, ये हो गया। अब यहां देखो परिकेंद्र की स्थिति, देखो सबसे पहले स्थिति नंबर 1, अगर त्रिभुज न्यून कोण है
न्यून कोण मतलब होता है जिसमें सभी कोण अगर 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर आपका त्रिभुज हो समकोण और अगर आपका त्रिभुज हो अधिक कोण, कौन सा त्रिभुज अधिक कोण, फिर से यदि किसी त्रिभुज क्यों त्रिभुज आपका कौन सा हो न्यून कोण हो, अगर आपका त्रिभुज न्यून कोण का मतलब हो रहा है ये त्रिभुज ठीक, अगर आपका समकोण हो तो ये त्रिभुज और अधिक कोण हो तो ऐसा त्रिभुज ठीक। अगर किसी त्रिभुज में आपका न्यून कोण हो समकोण हो और अधिक कोण तब अगर हम उसका परिवृत्त खींचेंगे परिकेंद्र खींचेंगे परिवृत्त बनाओगे इसके ऊपर तो परिवृत्त बनाएंगे तो परिकेंद्र भी चाहिए तो परिकेंद्र की स्थिति क्या होती है परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी अगर कोई त्रिभुज न्यून कोण हो तो उसके परिकेंद्र की स्थिति होगी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के बाहर त्रिभुज की भुजा पर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज अगर त्रिभुज न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब होता है प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री से कम हो तो उसमें परिकेंद्र की स्थिति होती है यानी परिकेंद्र जो होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा, कहां होगा अंदर यानी ये यहां पर त्रिभुज का परिकेंद्र होगा ये परिकेंद्र होगा ठीक। अगर समकोण त्रिभुज हो तो ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज में आपका जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है कर्ण का मध्य बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछे गए प्रश्न बहुत ध्यान रखिएगा मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं प्रश्न एक भी नहीं दे रहा हूं उसके बावजूद भी यहां पे एग्जाम में आए हुए ऐसे क्वेश्चन है कि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवल आपको थ्योरी और आपके लगभग जितने भी एग्जाम लिख रखे हैं उसमें केवल एसएससी को छोड़ दिया जाए तो सभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमपी टेट में तो थ्योरी से एसी टेट में थ्योरी से रीट में रेलवे में पुलिस में एसआई और जितने भी एग्जाम केवल एसएससी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है और एसएससी में भी सीजीएल में लेवल बढ़ता है सीएचएसएल और 10+2 वाली 10 वाली 10th वाली एग्जाम में कुछ नहीं देता ठीक है। तो कर्ण का मध्य बिंदु यानी ये क्या होता है संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है वही क्या होता है परिकेंद्र होता है, क्या होता है परिकेंद्र होता है। अब कर्ण का मध्य बिंदु है इसका मतलब होता है अगर त्रिभुज ए बी सी है तो इसका मतलब होता है अगर यहां से मैं डाल दूं बी डी तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये बी डी बराबर होगा ए डी के और वही बराबर होगा डी सी के और यही आधा होगा ए सी के, क्या दिख रहा है आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो यानी क्या उसका बीडी ये बीडी जो बराबर होगी वह एडी के भी बराबर होगी वही डीसी के भी बराबर होगी और वही आधा होगी एसी के, ये संपूर्ण त्रिभुज में ठीक। और अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो उसमें जो आपका परिकेंद्र होगा वो क्या होगा त्रिभुज के बाहर होगा, क्या होगा त्रिभुज के बाहर होगा, ध्यान रखिएगा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माध्यिका में केंद्रक अंदर ही होता है त्रिभुज के अंदर, वो बाहर जा ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में भले वो त्रिभुज कोई सा भी हो ठीक। पर यहां पे पढ़ा आपने क्या पढ़ा लंब समद्विभाजक और परिकेंद्र, तो आप ध्यान रखिएगा ये लंब समद्विभाजक तो परिकेंद्र आपने शुरू में पढ़ा क्या केंद्रक, केंद्रक क्या होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है और परिकेंद्र क्या होता है लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। और लंब समद्विभाजकों के बारे में लंब समद्विभाजक की परिभाषा पढ़ी परिकेंद्र पढ़ा परित्रिज्या पढ़ी और परिवृत्त पढ़ी और इसकी चार विशेषताएं पढ़ी। पहली विशेषता क्या होती है ये जो परिकेंद्र होता है ये हर भुजा के शीर्ष से समान दूरी पर होता है और उसी समान दूरी को वृत्त की क्या कहा जाता है उसकी क्या कहा जाता है परित्रिज्या कहा जाता है और उसी परित्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जाए जो शीर्ष से होकर जाता है यानी ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाता है परिवृत्त कहलाता है और उसकी त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक। और उसके बाद यहां पर पढ़ा कि अगर इन परित्रिज्याओं से अगर केंद्र पर एक कोण बने तो वह कोण उसके कोण से अधिक होता है, कितना अधिक होता है दुगुना होता है, यहां से बन सकते हैं अगर इस कोण के बारे में बात करें तो ये और ये बन जाएगा, इस कोण के बारे में बात करें तो ये और ये बन जाएगा यानी यहां पर बनने वाला कोई सा भी कोण क्या होता है उसके विपरीत कोण से हमेशा क्या होता है दुगुना होता है। उसके बाद त्रिभुज की तीनों भुजाएं और उसका परिवृत्त की त्रिज्या और उसके क्षेत्रफल के बारे में संबंध यह है कि r बराबर होता है abc / 4 डेल्टा ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चौथी चीज परिकेंद्र की स्थिति यानी परिकेंद्र कहां कहां हो सकता है, तो न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है,
समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु होता है और अधिक कोण त्रिभुज में कर्ण से मतलब त्रिभुज के बाहर होता है, यानी इसका मतलब होता है परिकेंद्र हमेशा यहां दिखेगा आपको, कहां दिखेगा यहां, ये 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 आपका क्या होगा परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ज्यामिति में पार्ट नंबर 8 में लंब समद्विभाजक एवं परिकेंद्र के बारे में सोचा, यानी इससे पहले आपने केंद्र के बारे में पढ़ा, अभी परिकेंद्र के बारे में पढ़ा। परिकेंद्र में लंब समद्विभाजक की परिभाषा, परिकेंद्र की परिभाषा, परित्रिज्या की परिभाषा, इनसे संबंध में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं कि लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु कहलाता है, चारों केंद्र के नाम दे देंगे, बताओ परिकेंद्र। मैं इनको चारों को एक साथ फिर आपको चीजों को बताऊंगा, अभी फिलहाल यहाँ पे एक एक पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब लंब समद्विभाजक के बाद पढ़ेंगे हम यहां पे कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, इसको कोणार्धक भी बोलते हैं, वह कोणार्धक का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको बोला जाता है अंतःकेंद्र। यानी आपको अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जगह अपने को क्या पढ़ना है, अब कोण समद्विभाजक की जगह एंगल बाइसेक्टर और अंतःकेंद्र को बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। अब हमें पढ़ना है यहां पे कोण समद्विभाजक, यानी ये अब होगा पार्ट कौन सा, तीसरा, यानी आपके पास पहले माध्यिका पढ़ लिया आपने, उसके बाद कोण लंब समद्विभाजक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम कोण समद्विभाजक, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर मतलब वही, देखो एक त्रिभुज ले लिया आपने, त्रिभुज ए बी और सी, अब यहां पे कोण समद्विभाजक मतलब कोणार्धक, कोणार्धक कैसे खींचते हैं, देखो ये ऐसे खींचते हैं, यहां से आधे से अधिक प्रकार लेके एक यहां कोण काटेंगे और एक यहां से काटेंगे और उसके बाद यहां से, ठीक, और उसके बाद कोणार्धक की परिभाषा तो आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं पहले, फिर भी यहां पे पढ़ेंगे, और उसके बाद तो यहां से क्या हो जाएगा ये, और उसके बाद यहां से भी एक कोणार्धक खींचेंगे आप ये, और इस प्रकार से ये तीनों कोणार्धक जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उनको कहा जाता है अंतःकेंद्र, अंत केंद्र, ठीक। और ये जो कोणार्धक, ये सब क्या है आपके कोणार्धक है, कोणार्धक का मतलब होता है इस कोण बी को दो बराबर भागों में बांटने वाला, कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला, तो यहां पर पहली परिभाषा आपकी होगी कोणार्धक। कोणार्धक मतलब होता है किसी त्रिभुज में, त्रिभुजों में कोणार्धक क्या होते हैं, अगर आप हम बात करें त्रिभुजों में कोणार्धक क्या होते हैं, ठीक है, कोणार्धक का मतलब क्या हो रहा है आपके पास, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजक करने वाला, क्या करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजक करने वाला, यानी इसका मतलब हो रहा है यहां पर अगर सही ढंग से कोणार्धक की परिभाषा लिखे तो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला, दो बराबर भागों में बांटने वाला या बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, कोणार्धक कहलाती है, ठीक, कोणार्धक हो गया। अब उसके बाद आता है कोणार्धक के जो कटान बिंदु है उसको बोलते हैं अंतःकेंद्र, क्या बोलते हैं उसको अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र का मतलब होता है कोणार्धकों के कटान बिंदु को, यानी कोणार्धक, कोणार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, कोणार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाते हैं,
को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए यह अंतः केंद्र हो गए। अब यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से हम अगर यहां के ऊपर एक ये एक लंब खींचू, इसी लंब को अपन बोलते हैं दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, इसको अपन बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, और जो समान दूरी होती है वही दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परिअंतः त्रिज्या कहलाती है। यह क्या कहलाती है, अंतः त्रिज्या, इसकी परिभाषा में पूछा जाता है, यानी त्रिभुज की भुजा से, देखो अब यहां पे लिखेंगे अपन अंतः त्रिज्या, ठीक, अंतः त्रिज्या के बारे में लिखेंगे। अंतः त्रिज्या के बारे में क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे बता दो, अंतः त्रिज्या क्या होती है, अंतः त्रिज्या क्या होती है त्रिभुज की, देखो त्रिभुज की भुजाओं से अंतः केंद्र की दूरी, और दूरी भी कौन सी, निम्नतम, और जब निम्नतम दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं ऊंचाई। ध्यान रखिएगा किसी भी केंद्र से उस भुजा पर न्यूनतम दूरी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई, और वही त्रिभुज के भुजाओं से अंतः केंद्र की दूरी, निम्नतम दूरी यानी ऊंचाई को क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं, और उसी अंतः त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। अब यहां पे बनता है अगली परिभाषा अंतः व्रत की, कौन सी परिभाषा, अंतः व्रत, अंतः व्रत मतलब होता है इन सर्कल, ठीक। अब अगर ये त्रिभुज हो, ये त्रिभुज क्या, इस त्रिभुज में ये कोणार्धक का, ये कोणार्धक का एक बिंदु, ये कोणार्धक का बिंदु, और यहां से एक समान दूरी खींची, ये समान दूरी, तो ये क्या कहलाइए अपने आर, ये क्या हो गया आपका अंतः केंद्र, अंतः केंद्र कोणार्धकों का मध्य बिंदु होता है, परिकेंद्र लंब समद्विभाजकों का मध्य बिंदु होता है यानी कटान बिंदु होता है, और केंद्रक क्या होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। ध्यान रखिएगा इनको बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके जीवन में सारी चीजें सेपरेट हो जाए, ठीक है, ये हो रहा है। अब यहां पे अगर हम सही ढंग से बात करें ये आर 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 आर, ठीक, अब यहां पे तो इससे इस दूरी से अगर मैं एक व्रत खींचूं तो ये जो व्रत कहलाएगा ये कहलाएगा अंतः व्रत। अंतः व्रत जो होता है, अंतः व्रत में जो व्रत का जो भुजा होती है वो उसको तीनों भुजाओं पर क्या करती है, स्पर्श करती है, क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक। ये हो गया आपका, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम विशेषता, क्या पढ़ेंगे अपन इसके बारे में विशेषता, क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी चार विशेषताएं होती है। देखिए पहली विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता, अगर आपका ये कोण, ठीक, अगर ये आपका हो और उस प्रकार से अगर यहां पे मैं ये डालूं, ये है क्या इन सेंटर, और इन सेंटर से ये यहां पर हो गया, ये आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं आपके त्रिभुज को प्रभाव में, अगर ये यहां का कोणार्धक है, ध्यान रखिएगा ये यहां से अगर कोणार्धक खींचा तो यहां से यहां तक एक बिंदु होगा, ये इसको कोण, तो ये यहां पे जो बनने वाला कोण है यानी जिसको बोलते हैं ए बी सी, तो कोण बी आई सी, बी आई सी होगा 90 प्लस 1/2 कोण ए, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, फिर बता रहा हूं आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी में जो 10 प्रॉपर्टी पढ़ाई उसमें से चीज पढ़ा चुकी हूं, है ना। त्रिभुज के कोणार्धक अगर जहां पे मिलते हैं उसको अंतः केंद्र बोलते हैं, और यहां पर जो कोण बनता है वो कोण जो होता है
वो इस कोण का कोण ए के आधे में 90 अगर जोड़ेंगे तो उससे अपने को ये चीज बनती है। दूसरा आपकी विशेषता होती है त्रिभुज जो होता है, ये त्रिभुज, ये अगर त्रिभुज का मतलब होता है इसका जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या होती है आर बराबर त्रिभुज बटे एस। यहां पर एस होता है अर्ध परिमाप, मतलब जिसको बोलते हैं अपन अर्ध परिमाप, यानी किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आर और उसका एस मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग बटे दो और ये होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक, ये इनके बीच में संबंध होता है, ये संबंध एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको ऐसा भी बोलते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है आर एस, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, किसी भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज का अंतः केंद्र, तो त्रिभुज का अंतः केंद्र उनकी तीनों भुजाओं से क्या होता है समान दूरी पर होता है, तो त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से क्या होता है समान दूरी पर होता है, क्या होता है समान दूरी, दूरी का मतलब होता है निम्नतम दूरी, समान दूरी पर होता है, क्या होता है समान दूरी पर होता है। कितनी बड़ी बात, कितनी विशेषता पढ़ लिया आपने, तीन विशेषता। और ध्यान रखिएगा अब इसकी स्थिति देखिए, जहां पर परिकेंद्र बनता है वहां पर परिकेंद्र की स्थिति क्या होती, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर कर्ण की भुजा का मध्य बिंदु होता है, और अपने अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर। पर यहां पर क्या होता है ध्यान रखिए, सभी त्रिभुजों के लिए, सभी त्रिभुजों के लिए अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, यानी अगर आप कोई सा भी त्रिभुज ले लो, न्यूनकोण त्रिभुज ले लो, अधिक कोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ले लो, उन सभी त्रिभुजों में सभी त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र त्रिभुज के क्या होता है अंदर होता है। ठीक है, तो अब आपने यहां पर क्या पढ़ा, ये चार विशेषताएं इसको होगी, फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। तीसरी कोण समविभाजक, कोण समविभाजक का मतलब होता है जो कोण को पूरे दो बराबर भागों में बांटे उसको बोलते हैं कोण समविभाजक। और लंब केंद्र क्या क्या मतलब होता है ये सुन लो, अंतः केंद्र, कोण अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का मतलब ये हो रहा है कि जो कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है वही कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ध्यान रखिए, फिर सारी चीजों को हम एक साथ, फिर एक साथ चारों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये अंतः केंद्र पढ़ लिया, अंतः त्रिज्या यानी ये कटान बिंदु यानी अंतः केंद्र से हर भुजा के बीच की दूरी क्या होती है समान होती है, ये दूरी, और यही दूरी क्या कहलाती है अंतः त्रिज्या कहलाती है। और इस अंतः त्रिज्या से अगर एक वृत्त खींचा जाए तो उसको बोलते हैं अंतः वृत्त। ठीक, अब इसके बाद विशेषता क्या होगी, अगर इन यहां पर कोई यहां से नहीं ले लो, यहां से अगर यहां से कोणार्थक हो तो यहां पर बनने वाला कोण इस कोण का क्या होता है 90 प्लस 1 बटा 2 कोण होता है। ठीक, उसके बाद इसका रेडियस अगर आर हो, इसकी जो त्रिज्या हो छोटी आर हो, तो इसके क्षेत्रफल बटे इसका परिमाप होता है। ठीक, और त्रिभुज, त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज की सभी भुजाओं से क्या होता है समान दूरी पर होता है। और उसके बाद सभी त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र क्या होता है, क्या होता है अंदर होता है। देखिए परिभाषा एक बार पूछा गया, एक टेट एग्जाम में पूछा गया, तो उस टेट एग्जाम में पूछा गया कि त्रिभुज, त्रिभुज का अंतः केंद्र, किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र उसके न्यून कोण के लिए होता है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, या फिर त्रिभुज की भुजा पर, उसके बाद क्या, तो त्रिभुज के क्या होता है अंदर होता है। अब यह भी पूछा गया सभी त्रिभुजों के लिए त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है, कुछ नहीं कह सकते, अंदर होता है, बाहर होता है, भुजा पर होता है, तो क्या होता है अंदर होता है, क्या होता है अंदर होता है। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ेंगे ये हो गया पूरा। अब इसके बाद देखिए यहां पर अपनों ने अंतः त्रिज्या पढ़ी, अंतः त्रिज्या का मतलब होता है आर, और अपन इससे जस्ट पहले अपनों ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा परित्रिज्या भी पढ़ी। तो ये अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बारे में अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो उसके बारे में एक प्रॉपर्टी बनती है, उसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक नाम दीजिएगा, क्या नाम दीजिएगा, सम लिखिए, समबाहु त्रिभुज में, लिखिए लिखिए समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या व अंतः त्रिज्या,
समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या व अंतत्रिज्या कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या व अंतत्रिज्या क्या होती है? इसका मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज में। तो देखो आपको पता है किसी समबाहु त्रिभुज में आर जो होती है, परित्रिज्या को कैपिटल आर बोलते हैं और अंतर त्रिज्या को आर बोलते हैं। तो कैपिटल आर जो होती है वो क्या होती है, ए बी सी अपान फोर डेल्टा, ठीक, ये होती है। पर अगर त्रिभुज क्या हो, समबाहु, अगर त्रिभुज समबाहु हो तो यहां पर a बराबर a होती है, b बराबर भी a होगी और c बराबर भी a होगी, और इसका जो क्षेत्रफल होता है जिसको अपन बोलते हैं क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, फिर भी यहां पर मैं बता देता हूं, वो होता है रूट तीन बटे चार ए स्क्वायर, रूट तीन बटे चार ए स्क्वायर। अब ये दोनों ही वैल्यू यहां अगर पुट करें तो क्या हो रहा है, आर बराबर ए ए ए, ए की घात कितनी हो जाएगी, तीन, और फोर, डेल्टा का मतलब होता है रूट तीन बटे चार ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ये गया तो ऊपर बचा ए और चार से चार गया। ध्यान रखिएगा किसी समबाहु त्रिभुज में जो होता है, किसी समबाहु त्रिभुज में आपकी जो त्रिज्या होती है कौन सी त्रिज्या, आर, आर मतलब होता है परित्रिज्या। बहुत बार इसके बारे में डायरेक्ट पूछा गया था, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, किसी समबाहु त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो बताओ उसकी परित्रिज्या क्या होगी, तो उत्तर डायरेक्ट 10 बटे रूट थी, बस ये आंसर। अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो बोल दो नहीं पता। किसी त्रिभुज की, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो बताओ उसकी परित्रिज्या क्या होगी, 8 बटे रूट थी, उत्तर डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका, परित्रिज्या, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं इसी समबाहु त्रिभुज में आर के बराबर, आर बराबर क्या होता है, वो तो याद तो आपको यही करना है, क्यों, ये तो मैंने आपको सिद्ध करके बताया। अब अभी आर, आर अभी जस्ट पढ़ा, इससे जस्ट पहले स्लाइड में, आर का मतलब होता है अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या, और अंतःत्रिज्या आर बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, आर बराबर डेल्टा बटे एस, डेल्टा मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस, एस का मतलब ये क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब रूट तीन बटे चार ए स्क्वायर, और एस का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग मतलब थ्री ए अपॉन टू। अब इसमें वैल्यू रखो तो आर बराबर, अगर आप सही ढंग से देखेंगे यहां पर तो ये ए से ए कट गया, दो दुनी चार कट गया, तो यहां पर बचा कितना, ए रूट तीन, ठीक है, क्या बचा, ए रूट तीन, ठीक है, बटे कितना बचा, तीन बचा। पर आपको पता है इस ए, इस तीन को रूट तीन गुणित रूट तीन लिखा जा सकता है, और एक रूट तीन से रूट तीन कट जाएगा तो बचेगा ए रूट ए बटा रूट तीन, यानी आर बराबर होगा क्या होगा आपके पास, आर बराबर होगा ए अपान, ये यहां पर जो दो बचेगा, ये दो भी तो आएगा यहां पर, ये दो, तो ए अपान टू रूट थ्री। ध्यान रखिएगा किसी समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या होती है ए बटा रूट तीन और अंतःत्रिज्या होती है ए बटा दो रूट तीन। ध्यान रखिए परित्रिज्या क्या होती है, ए बटा रूट तीन, और अंतःत्रिज्या क्या होती है, ए बटा दो रूट तीन, ठीक, ये आपने यहां पर चीजों को पढ़ा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपने पास चौथा, चौथा केंद्र, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने आपको बता दिया, स्पेशल इनको याद रखिएगा, सारी चीजों को मुंह जुबानी याद होना चाहिए आपको, बार बार जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं उनको रिवाइज करिए, अच्छी तरह से रिवाइज करिए, ठीक है। अब आता है आपके पास लास्ट, लास्ट होता है आपके पास एक होता है शीर्ष लंब, ध्यान रखिएगा लंब समद्विभाजक और शीर्ष लंब दोनों अंतर है, शीर्ष लंब और शीर्ष लंब का जो केंद्र होता है यह इनको बोला होता है, वो होता है लंब केंद्र, क्या होता है वो, लंब केंद्र, ठीक है। अब देखो लंब केंद्र के बारे में अपन पढ़ते हैं,
क्या होता है लंब के अंदर? चलिए, शीर्ष लंब को बोलते हैं हम। अब हमें पढ़ना है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब को इंग्लिश में बोलते हैं एल्टीट्यूड, और लंब के बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक, ये अपना चौथे नंबर का है। कौन सा? चौथे नंबर का है शीर्ष लंब व लंब केंद्र। इससे पहले हम ध्यान रखिए, केंद्र के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आया केंद्रक, उसके बाद आया परिकेंद्र, और उसके बाद आया अंतःकेंद्र, और उसके बाद आया लंब केंद्र। तो लंब केंद्र देखो, ये त्रिभुज है। अभी आपने इससे जस्ट पहले, मतलब आपके पास यहां पर जो था अंतःकेंद्र, ये परिकेंद्र पड़ा, उस परिकेंद्र में आपने क्या पढ़ा? ठीक है, तो यहां पर आप जो पढ़ना है वो क्या? चलो, ये यहां पर जो पढ़ना है आपको, अब पढ़ना है कौन सा? शीर्ष लंब व लंब केंद्र। तो ए बी और सी, आपने लंब समद्विभाजक पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? लंब समद्विभाजक पढ़ा है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है और ये इसको बराबर भागों में बांट देता है, इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। पर वो यहां से नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अब आपके पास क्या बोला उसने? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर एक रेखा खींची जाए और यहां पर कितने डिग्री का कोण बना दे? 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, और शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक, तो ये यहां पर लंब। उसी प्रकार से यहां पर भी एक लंब केंद्र होगा ये, और यहां पर भी क्या होगा? ये लंब, ये यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्र होता है इसको बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? लंब केंद्र। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं है एल्टीट्यूड में। तो यहां पर अपने को सबसे पहले परिभाषा पढ़नी पड़ेगी शीर्ष लंब की। पहली परिभाषा कौन सी होगी? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब होता है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, जिसको ब्रैकेट में बोलते हैं ऐसे, जैसे ये अगर एडी हो गया तो एडी लंब है परपेंडिकुलर बीसी, ये सब बोला जाता है। ठीक है, शीर्ष से त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये क्या हो रहा है? फिर से त्रिभुज के शीर्ष से, अब उसके बाद जितने भी शीर्ष लंब है, यानी शीर्ष लंब का कटान बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष लंब का कटान बिंदु, यानी शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब को कहने वाले क्या कहते हैं? लंब। तो यहां पर आपने शीर्ष लंब सीखा। शीर्ष लंब के बाद इसके जो लंब केंद्र है इसकी परिभाषा कौन सी थी? लंब केंद्र की परिभाषा, उसके बारे में सीखा आपने, यानी ऑर्थो सेंटर जिसको बोलते हैं। अब इसके बारे में विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषताओं के बारे में ध्यान से सुनना, इसकी विषय कोई ज्यादा विशेषता नहीं। विशेषताओं का मतलब होता है एक ही विशेषता है मात्र, वो कि आपके जो लंब केंद्र है उसकी स्थिति क्या होगी। लंब केंद्र की स्थिति क्या होगी? तो लंब केंद्र की स्थिति ध्यान से सुनिए इसका। लंब केंद्र की स्थिति जो होती है वो स्थिति होती है, देखो यहां पे भाई त्रिभुज कितने त्रिभुज होंगे? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूटेंगल, अधिक कोण त्रिभुज, और एक और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो उसमें लंब केंद्र की स्थिति क्या होती है उन स्थिति के बारे में देखिए।
अगर त्रिभुज आपका न्यून कोण है तो आपका जो लंब केंद्र होगा वो अंदर होगा, अंदर मतलब जैसे त्रिभुज है तो यहां पर होगा, कहीं ना कहीं होगा। अधिक कोण है तो आपका जो लंब केंद्र है वो क्या होगा, बाहर होगा। बाहर मतलब जैसे ये इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ये इस प्रकार से ये बाहर होगा कहीं भी। और उसके बाद अगर समकोण त्रिभुज है तो देखो समकोण त्रिभुज में देखो लंब केंद्र का मतलब होता है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालेगा, यहां से यहां डालेंगे, यहां से यहां डालेंगे और यहीं का डल गया, तो ये लंब केंद्र यहां होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, लंब केंद्र कहां होता है, यहां होता है, ठीक है। और अगर ये यहां होता है तो देखो ए बी सी, तो यहां से एक संबंध बनता है, यहां पर अगर डी, यहां पर कोई भुजा खींची जाए, अगर ये डी खींची जाए तो बीडी बराबर होता है, बीडी बराबर होता है अंडर रूट में ए डी इंटू डी सी, ये आपको याद रखना है, बस इतना सा है पूरा चीज, ये ऊपर से, ठीक। तो फिर से देखते हैं, सबसे पहले ऑर्थो सेंटर और आपके पास एल्टीट्यूड, यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब कहलाता है, और उन सबके कटान बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। बात खत्म। उसके बाद इसमें अगर यह त्रिभुज न्यून कोण हो तो लंब केंद्र अंदर होता है त्रिभुज के, अगर यह अधिक कोण हो तो कहां होता है, बाहर होता है, और समकोण हो तो ये यहां होता है, दिख रहा है, ये यहां होता है, ठीक। अब उसके बाद यहां पर नोट करके लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके पास कितने केंद्र हो गए, चार केंद्र, तो ध्यान रखिएगा, पहला, अगर आपका त्रिभुज हो समद्विबाहु, कौन सा त्रिभुज हो, समद्विबाहु, जिसकी दो त्रिभुजों की भुजा बराबर, तो समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र, कितने केंद्र होंगे, चारों केंद्र का मतलब पहला केंद्र कौन सा है, केंद्र, दूसरा कौन सा है, परिकेंद्र, तीसरा कौन सा है, अंतः केंद्र, और चौथा कौन सा है, लंब केंद्र। ये चारों केंद्र एक रेखा में होते हैं, क्या होते हैं, एक रेखा में होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए त्रिभुज के चारों केंद्रों के बीच के लिए कौन सी चीज सत्य है, ये पूछा गया क्वेश्चन, तो कौन से एक रेखा में होते हैं, इसका मतलब होता है अगर ये त्रिभुज है जहां पर ए बी सी और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ध्यान रखिएगा इनके जो चारों केंद्र होते हैं वो यहां होते हैं, एक दो तीन और ये चार, ये इस प्रकार से एक ही रेखा में होंगे, ठीक। दूसरा, समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र क्या होते हैं, बताओ, संगामी होते हैं। संगामी का मतलब होता है उनका संगम एक ही होता है, यानी यूं देखा जाए तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी, तो इसके सभी केंद्र यही होते हैं, यानी यहां पर आपका सारे केंद्र होते हैं। मतलब कौन सा हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, माना कि केंद्रक भी यही होगा, है ना, अंतः केंद्र भी वही होगा, बाह्य केंद्र या परिकेंद्र भी यही होगा, और लंब केंद्र भी यही होगा, यानी इसके चारों केंद्र संगामी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब आपने बहुत इसको सारे सिस्टमेटिक अपने नोट्स में लिखी है, और जो चीजें हैं बिल्कुल रेड पेन, ब्लू पेन, नीला पेन सारे यूज करिए, और उसके बाद बनाइए। आपको यहाँ पर जो चारों चीजें मैंने बताई है, उन चारों चीजों के बारे में बिल्कुल आपको हमने कोशिश करी है कि सारे एस्पेक्ट को छुए, और भी कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको तो आप चीजों को बताएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर चारों के बारे में एक साथ बताता हूं, जनरली क्वेश्चन के बारे में आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए बस। चलिए तो अब यहां पे हम चारों जितने भी केंद्र, देखो त्रिभुज के चार केंद्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में कितने केंद्र होते हैं, चार केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र।
तो इनके किसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह होता है माध्यिका का। और माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली भुजा होती है, वो माध्यिका कहलाती है। परिकेंद्र क्या होता है? लंब समद्विभाजक का, ध्यान रखिएगा, लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। ठीक है, ये किसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है? माध्यिका का कटान प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक होता है, लंब समद्विभाजक का परिकेंद्र होता है, और अंतः केंद्र जो होता है वो किसका होता है? कोणार्धक का। किसका होता है? कोणार्धक का। और लंब केंद्र जो होता है ये किसका होता है? अभी तो पढ़ा शीर्ष लंब का। किसका होता है? शीर्ष लंब। ध्यान रखिए इसमें और इसमें अंतर है, ये भी लंब है और ये भी लंब है, यानी सम्मुख भुजा पर ये भी क्या करता है? 90 डिग्री होगा ये, पर ये शीर्ष से बनाता है और ये शीर्ष से नहीं बनाता है। ठीक है, ये कोणार्धक मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, और ये सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, पर सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में ये भी बांटती है, पर ये कहां से बांटती है? लंब समद्विभाजक, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये बना भी सकती है? नहीं बनाती। ठीक, इसमें त्रिज्या नहीं होती है, इसमें परिकेंद्र में त्रिज्या होती है जिसको अपन बोलते हैं परित्रिज्या, और उसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। अंतः केंद्र में अंतः त्रिज्या होती है, और उस अंतः त्रिज्या को हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। लंब केंद्र में त्रिज्या नहीं होती। ठीक, उसके बाद वृत्त, तो इसमें कोई वृत्त नहीं बनता है, इसमें परित्रिज्या के कारण परिवृत्त बनता है। ठीक, और यहां पर अंतः त्रिज्या के कारण अंतः वृत्त बनता है। ठीक, और ये लंब केंद्र में कोई वृत्त नहीं बनता। ध्यान रखिएगा यहां पर जो परिवृत्त बनता है वो देखिए, वो हमेशा जो त्रिज्या जो होती है वो यहां से समान दूरी पर होती है, तब जाके ये बनता है और ये आर होती है। इसका मतलब होता है परिकेंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी वो ही परिवृत्त कहलाती है, और अंतःवृत्त में जो होता है वो यहां से समान दूरी पर होता है, ये यहां पर ये समान दूरी, तो ये शीर्ष भुजाओं से समान दूरी पर होता है, और इससे एक ये अंतर्वृत्त कहलाता है। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो देखो यहां तो त्रिज्या होती नहीं है तो कोई संबंध होगा ही नहीं, यहां पर होता है किसी त्रिभुज में अगर आर बराबर होगा एबीसी अपान फोर डेल्टा, यानी ये बता चुका हूं मैं पूरा, पर एक साथ यहां बता रहा हूं, ये अगर ए भुजा हो, ये भुजा बी हो, और ये भुजा कितनी हो, सी हो, तो एबीसी अपान फोर डेल्टा। यहां पर जो अगर होता है तो आर बराबर होता है डेल्टा अपान एस, और एस होता है अर्धपरिमाण। ठीक है, उस प्रकार से, और यहां पर ऐसा कुछ होता नहीं। उसके बाद होता है संभव त्रिभुज में त्रिज्या क्या होती है? तो देखो यहां त्रिज्या तो होती नहीं है तो संभव त्रिभुज का मतलब ही नहीं है। यहां पर परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब होता है आर, परिकेंद्र में जो होता है वो आर होती है ए अपान रूट थ्री, और यहां पर संभव त्रिभुज में आर बराबर होती है ए अपान टू रूट थ्री, और यहां पर कुछ भी नहीं होती। उसके बाद यहां पर पढ़ेंगे केंद्र की स्थिति, तो ध्यान रखिएगा केंद्र की स्थिति अगर माध्यिका में देखा जाए तो सभी लोग अंदर ही होते हैं। क्या होते हैं? सभी अंदर ही होते हैं। ठीक है, अब अंतः केंद्र में देखा जाए तो ये भी क्या होते हैं? सभी अंदर ही होते हैं। इसका मतलब क्या? अंदर का मतलब होता है त्रिभुज के अंदर। किसके अंदर? त्रिभुज के अंदर, यानी इसके केंद्र होते हैं त्रिभुज के अंदर होते हैं, इसके भी त्रिभुज के अंदर होते हैं। इसके बाद इसमें परिकेंद्र और लंब केंद्र में केंद्र की स्थितियां बदलती रहती। यहां पर न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर होता, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर होता है, और यहां पर समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। और यहां पर जैसे हम केंद्र की स्थितियां, तो यहां पर भी वही होता है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, और यहां पर क्या होता है? ध्यान रखिएगा ये इस प्रकार से होता है, ये यहां होता है आपका कौन सा? यानी जहां पर 90 डिग्री कोण बनता है वहीं पर। ठीक, तो आपने इस प्रकार से पार्ट नंबर 8, ज्यामिति के पार्ट नंबर 8 को हमने लगभग जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, कोशिश यही है कि लगभग सारी विशेषता। तो इससे पहले
पार्ट नंबर 8 में अपनों ने क्या पढ़ा, परिकेंद्र पढ़ा, अंतः केंद्र पढ़ा और लंब केंद्र पढ़ा, इन तीनों को पार्ट नंबर 8 में पढ़ाया, ठीक है। इससे पहले पार्ट नंबर 7 में अपनों ने केंद्रक पर पढ़ा था, ठीक है। कोशिश हमने की है कि इस चीजों को बिल्कुल आपको संक्षिप्त में बताएं, ठीक है। पूरा वीडियो पढ़िए बहुत अच्छी तरह से, इसके बाद हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम चतुर्भुज पढ़ाएंगे, चतुर्भुज के बाद हम व्रत पढ़ाएंगे और उस प्रकार से आपकी ज्यामितीय लगभग खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम इसके क्वेश्चनों को पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक सो मच।